दोस्तों, क्या आपके WhatsApp चैनल पे मैसेज सेंड नहीं हो रहा है? मैसेज सेंड करने के लिए यहाँ पे जब आप मैसेज को सेंड करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का प्रॉब्लम दिखा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जो भी मैसेज किया हूँ वो सेंड नहीं हुआ है। यहाँ पे जो है सेंडिंग हो रहा है लेकिन सेंड नहीं हो पा रहा है। इस तरीके का प्रॉब्लम आप में भी दिखा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले तो आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन करना है। फ़ोन के सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। थोड़ा सा थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको एक ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखेगा, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर में आपको ऐप लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके फ़ोन में जितना भी एप्लीकेशन होगा टोटल यहाँ पे आपको शो करेगा। आपको यहाँ पे सर्च आइकन पे सर्च करना है WhatsApp को। WhatsApp को आपको सर्च करना है एंड उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पहले फोर्स स्टॉप के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड स्टोरेज यूसेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको क्लियर कैच कर देना है। क्लियर कैच करके यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको डाटा यूजर डिटेल्स के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको सेटिंग को चेक करना है। डिसेबल मोबाइल डाटा एंड डिसेबल वाईफाई, ये दोनों डिसेबल होना चाहिए इस तरीके से। अगर ये ऑन हो जाएगा तो आपका मोबाइल डाटा डिसेबल हो जाएगा वाईफाई व्हाट्सएप से। अगर आपका नेट ऑन भी होगा तो आपके व्हाट्सएप में जो है इंटरनेट काम नहीं करेगा, तो इसीलिए आपको इसे ऑफ करके रखना है। बैकग्राउंड डाटा को इसी तरीके से इनेबल करके रखना है। इतना चेक करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अगर आपका मैसेज से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होगा तो इतना करने के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका फ़ोटो और वीडियो वगैरह भी सेंड नहीं हो रहा है तो परमिशन में आ जाना है। और परमिशन में आने के बाद कैमरा और स्टोरेज को अलाउ कर देना है। माइक्रोफोन को भी आप अलाउ करके रखेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब आपका हो सकता है, इतना करने से अगर ठीक नहीं होता है तो हो सकता है आपका इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, तो आपको इंटरनेट स्पीड को चेक करना है कि आपका ठीक ठाक है या नहीं। इंटरनेट नहीं होगा तो आपका ये प्रॉब्लम आ रहा होगा। दूसरा क्या है कि आपको फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करना है। फ्लाइट मोड को ऑन करना है, एक बार ऑफ कर देना है, इससे जो भी ग्लिच वगैरह होगा वो ठीक हो जाएगा। दूसरा एक और सेटिंग है कि हो सकता है आपने जिस सिम में रिचार्ज करवाया वो सिम यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा, जिसमें नहीं रिचार्ज करवाया वो कनेक्ट होगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा के ऑप्शन में आ जाना है। आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा इंटरनेट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है एंड चेक करना है कि यहाँ पे वही सिम कनेक्ट है या नहीं जिसमें आपने रिचार्ज करवाया है। तो मेरा सिम 2 पे रिचार्ज है और सिम 1 सिलेक्ट है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं यहाँ पे सिम 2 सिलेक्ट कर देता हूँ, स्विच कर देता हूँ। अब जो है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेरा सिम 2 पे रिचार्ज था, 1 पे नहीं था, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ भी सेंड नहीं हो पा रहा था। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है व्हाट्सएप चैनल को अब ओपन करता हूँ। मैं व्हाट्सएप ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स में आता हूँ, चैनल ओपन करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज जो है सेंड हो रहा है टकाटक, और एक और मैं आपको मैसेज सेंड करके दिखाता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैसेज जो है आसानी से सेंड हो रहा है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।